अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से यानी कि 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास के बीच एक वॉर छिड़ा हुआ है आफ्टर द हमास अटैक ऑन इसराइल। इसके बीच हमें काफ़ी डेवलपमेंट्स दिखने को मिले हैं पिछले 2 महीनों में। जैसे कि हमने देखा बीच में एक ट्रूस भी होने की बात हुई थी, ट्रूस हुआ भी था, बट वो ट्रूस एक हफ्ते तक चला, वो ट्रूस फिर ख़त्म भी हो गया, वो शांति का प्रस्ताव ख़त्म भी कर दिया गया क्योंकि इसराइल ने ये बोला कि हमास हम पे वापस से अटैक कर रहा है। और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने मिली वहाँ पे, हमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने मिला। हमने देखा कि कैसे बीच में जो शांति का प्रस्ताव हुआ था उस टाइम पे इसराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड भी अलाउ किया था, बट वापस से वो सारी चीज़ें स्थिति पूरी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। बट कुछ दिनों पहले यूएनएससी के यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने आर्टिकल 99 इन्वोक किया था ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का आर्टिकल 99 इन्वोक किया था और एक मीटिंग बुलाई थी, और ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि वो लोग इस चीज़ पे डिसाइड कर पाएं कि जो इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है या इसराइल गाजा का वॉर जो चल रहा है, वो वॉर को अब सीज़ फायर किया जाए, सीज़ फायर की कंडीशन में लाया जाए ताकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ज़्यादा आगे ना बढ़े। बट जहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि ये वोटिंग के बाद यूएस ने, जो कि एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, उसने इसमें वीटो कर दिया, यानी कि उसने ना बोल दिया है, जिसके बाद ईरान ने यह कहा है दैट देयर कैन बी एन एक्सप्लोजन ऑफ सिचुएशन आफ्टर यूएस वीटोस गाजा सीज फायर बिड। ईरान ने कहा है कि यूएस ने जो ये सीज फायर के बात को ना बोला है, इसके बाद हो सकता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक सिचुएशन बहुत ही खराब होने की स्थिति भी बन सकती है। यहाँ पे ईरान एक तरह से धमकी दे रहा है यूएस को कि आपने ये जो ना बोली है, इसके बाद यहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने यूएस के इस काम को डबल स्टैंडर्ड्स बोला है, दैट यूएस ने यहाँ पे अपने डबल स्टैंडर्ड्स शो किए हैं कि उसने इस चीज में ना क्यों बोला। तो इसके बारे में हम पूरा देखेंगे, हम देखेंगे कि आर्टिकल 99 क्या है और ईरान ये क्या बोल रहा है दैट देयर विल बी एन एक्सप्लोजन ऑफ सिचुएशन, और किन किन कंट्रीज़ ने यूएस के इस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज किया है और किन किन कंट्रीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो चलिए शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अन अकेडमी ने जीएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 2025-26 के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, जहाँ पे कि अगर आप 15 दिसंबर से पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको 40% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं BR10। जहाँ पे प्राइसिंग 175,000 थी, वहाँ पे अब ये प्राइस 109,999 हो गई है। हमारे सेंटर्स करोल बाग और मुखर्जी नगर में खुले हुए हैं, आप यहाँ पे आके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे सारी डिटेल्स भरे और मेरा कोड डाले BR10, तो आपको अन अकेडमी की एक टीम कॉन्टैक्ट करेगी और सारी डिटेल दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट ईरान वॉर्न्ड सैटरडे ऑफ द थ्रेट ऑफ एन अनकंट्रोलेबल एक्सप्लोजन ऑफ द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स वीटोड अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ सीज फायर इन द गाजा वॉर। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करने की बात करी थी फॉर द सीज फायर इन गाजा वॉर, उस पर यूएस ने वीटो कर दिया, जिसके बाद ईरान ने एक अनकंट्रोलेबल एक्सप्लोजन जैसा बोला है कि यहाँ पे अब स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई देगी और हो सकता है कि ईरान भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करना चालू कर दे, एंड दैट्स वाई इट इज़ वार्निंग कि अब यहाँ पे स्थिति और भी खराब होगी। अमीर अब्दुल्लाहिया द डिप्लोमेट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑल्सो अपील्ड फॉर द इमीडिएट ओपनिंग ऑफ द राफा बॉर्डर क्रॉसिंग विथ इजिप्ट टू इनेबल ह्यूमैनिटेरियन एड टू बी सेंट इनटू द गाजा स्क्रिप्ट। यहाँ पे जो डिप्लोमेट हैं वो ये कह रहे हैं कि राफा बॉर्डर को ओपन कर दिया जाए इजिप्ट के साइड से, ताकि वहाँ पे गाजा में हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेज सकें जो कि इसराइल ने बंद कर रखी है ईरान वगैरह के साइड से। फ्राइडे को अगर हम देखें यानी कि कल, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने वीटो कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को ऑन द सीज फायर, जो वॉर चली आ रही है 7 अक्टूबर से। यहाँ पे आप देख रहे हो दैट एज लॉन्ग एज अमेरिका सपोर्ट्स द क्राइम ऑफ जायनिस्ट रिजीम दैट इज इसराइल एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनकंट्रोलेबल एक्सप्लोजन इन द सिचुएशन ऑफ द रीजन। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने साथ ही साथ यूएनएससी के इस डिसीजन पे दैट दे यूज्ड आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर टू स्टॉप द वॉर एंड ब्रिंग सीज फायर इन द सिनेरियो, इस चीज को प्रेज भी किया। हम देखेंगे कि आर्टिकल 99 क्या है, बट उसके पहले हम थोड़ा सा ये देखें कि बाकी कंट्रीज या फिर
बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने यूएसए के इस कदम को कैसे एनालाइज किया? सो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने यह कहा है दैट यूएस वीटो मेड इट कम्प्लिसिट इन वॉर क्राइम्स इन गाजा, यानी कि यूएस का जो वीटो है वो ये चीज दिखाता है कि यूएस भी जो वॉर क्राइम्स हो रही है गाजा में उसको सपोर्ट करता है। द प्रेसिडेंट हैज डिस्क्राइब द अमेरिकन पोजिशन एज एग्रेसिव एंड इमोरल, अ फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, एंड होल्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड शेड ऑफ पैलेस्टीनियन चिल्ड्रेन वुमेन एंड एल्डरली पीपल इन द गाजा स्ट्रिप। यानी कि यहाँ पे पैलेस्टीन बोल रहा है कि अगर यूएस ने इस चीज को वीटो किया है तो यूएस ही सारी मैसेकर का जिम्मेदार है, जो भी वहां पे मारकाट हो रही है, जो भी वहां पे खून बह रहा है, उसके लिए जिम्मेवार अब यूएस को ही माना जाएगा। जबकि वहीं इसराइल के एम्बेसडर, जो यूएन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बोला है दैट अ सीज फायर विल बी पॉसिबल ओनली विद द रिटर्न ऑफ ऑल द होस्टेजेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, यानी कि जब तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर देते तब तक तो सीज फायर की कोई बात ही नहीं उठती है, पहले हम हमास को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यूएस वीटो ऑफ सीज फायर रेजोल्यूशन डिस्प्लेज कैलस डिसरिगार्ड फॉर सिविलियन सफरिंग इन फेस ऑफ स्टैगरिंग डेथ टॉल, इट इज मॉरली इनडिस्पेंसिबल एंड अ डेरिलिक्शन ऑफ द यूएस ड्यूटी टू प्रिवेंट एट्रोसिटी क्राइम्स एंड अ कंप्लीट लैक ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये यहाँ पे आप देखो तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का ट्वीट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इंटरनेशनल पीस, उसके बारे में बात करता है, और डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ने भी यही कहा है दैट वी आर डिवेस्टेटेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स फेलियर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये चीज ब्लेम लगाया है कि यूएस ने ये जानबूझ के किया, जबकि यूएस कह रहा है कि अगर हमने वीटो नहीं किया होता और वोट कर दिया होता तो ये कोई सीज फायर नहीं लेके आता बल्कि 7 अक्टूबर जैसा फिर से सिनारियो क्रिएट कर देता, हमास फिर से अटैक करता। तो एक तरह से यूएस का स्टैंड क्लियर है कि हमास खत्म होना चाहिए और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जैसा बिहेव कर रहा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर है क्या? तो यूएन चार्टर जो है वो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, और उस यूएन चार्टर में एक आर्टिकल 99 है जहां पे वो ये बोलता है दैट अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी को ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल पीस में हार्मनी नहीं है, इंटरनेशनल पीस बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, वॉर जैसी सिचुएशंस वगैरह क्रिएट हो रही हैं, देन द सेक्रेटरी जनरल मे ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर विच इन हिज ओपिनियन मे थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आर्टिकल 19 बार बार यूज नहीं किया जाता, बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है जो कि अभी यूज किया गया, लेकिन पास्ट में भी अगर देखें तो जब कॉन्गो में काफ़ी ज़्यादा अपहेवल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी 1960s में, तब ये यूज़ किया गया था। साथ ही साथ बेल्जियम के कॉलोनियल रूल के एंड के टाइम पे 1961 में ये इसको यूज़ किया गया था अगेंस्ट फ्रांसेज नेवल एंड एयर फोर्सेज लॉन्चिंग एन अटैक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्टिकल 99 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड इनफैक्ट अगर सेक्रेटरी ने आर्टिकल 99 इन्वोक कर दिया देन प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है दैट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कि ही मस्ट हैव टू कॉल फॉर द काउंसिल एंड पास अ रिजोल्यूशन जिसपे कि लोग मेंबर्स वोट करेंगे एंड देन डिसाइड होगा कोई भी मैटर। अब अगर हम थोड़ी सी यूएनएससी के बारे में बात करें तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। अगर बाकी के 5 ऑर्गन्स की बात करें तो यूएनजीए है यानी जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट, और ये मेनली यूएनएससी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए ही काम करता है जो कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और रसिया, ये 5 मेंबर्स हैं इसके परमानेंट। और अगर परमानेंट मेंबर्स ने नो बोल दिया किसी भी रेजोल्यूशन पे, किसी भी एक परमानेंट मेंबर ने नो बोल दिया तो बाकी सारे वोट्स काउंट नहीं होते हैं और सीधे उस रेजोल्यूशन को डिक्लाइन कर दिया जाता है, यानी कि परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर हो। तो दोस्तों आज हमने देखा कि आर्टिकल 99 क्या है, ईरान ने क्या वॉर्न किया है यूएसए को आफ्टर इट्स वीटोइंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन द सीज फायर, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि वर्ल्ड ने इस पे कैसे रिएक्ट किया। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।